हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। काफ़ी दिन हो गए इस लेक्चर को चले हुए, 17 वीडियो शायद हमने बना दी। ठीक है, तो आज इसको लेक्चर को नहीं 16 बना दिए, 17 है, इसको कंप्लीट करते हैं हम। देखिए, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, कि सर्किट में जब करेंट फ्लो होता है तो सर्किट में हीट क्यों फ्लो होने लग जाती है, सॉरी हीट क्यों पैदा होने लग जाती है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे ही आप सर्किट को क्लोज करते हैं, बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पुश होने लग जाते हैं। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पुश होने लग जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो ये एक्चुअली मैंने बनाया क्या हुआ है, एक कंडक्टर है, उसका मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिखा दिया है बस। ठीक है, सिंपली आप सर्किट जो बनाते हैं वो सर्किट कुछ ऐसा बनाते हैं, सिंपली एक लाइन में मैंने बस उस लाइन को थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया कि अंदर क्या हो रहा होगा इसके। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, देखिए अब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगे यहां से यहां, और करंट यहां से यहां फ्लो होने लगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बड़े आराम से यहां फ्लो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स रेजिस्टेंस के पास पहुंचे, वहां पे रास्ता बहुत पतला है, वहां पे रास्ता बहुत नैरो है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इस रास्ते से निकलने में दिक्कत होगी, यहाँ पे उसको हिंड्रेंस मिलेगा, यहाँ पे उसको रुकावट मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तो आसानी से चले जाते हैं, लेकिन जब यहाँ से यहाँ जा रहे होते हैं तो उन्हें मुश्किल होती है, तो वो यहाँ जाके रेजिस्टेंस से पहले जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और उसके बाद जो है वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं इस रेजिस्टेंस से वो कम होते हैं। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम कम पास हो रहे हैं रेजिस्टेंस से, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम होता है करेंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम कम हो गए तो करेंट भी कम हो गया। अब जैसे ही करेंट कम हुआ, ये खबर लगी मैनेजर साहब को। सर्किट का मैनेजर कौन है? सर्किट का मैनेजर है बैटरी, बैटरी होती है सर्किट का मैनेजर। तो जैसे ही ये खबर बैटरी को लगी कि करंट का फ्लो कम हो गया है, उसने देखा कि गड़बड़ क्या है, उसने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फंसे पड़े हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना होगा यहाँ से। तो उसने क्या किया, उसने इन इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा ताकत दे दी, और ज़्यादा एनर्जी दे दी, उस एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस रेजिस्टेंस से आगे निकल जाएंगे। अब वो जो एनर्जी दी है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन वो जो एनर्जी है उसका कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब आप एक प्लेन पाथ पे, प्लेन रोड पे साइकिल चलाते हैं, आप बड़े आराम से चला लेते हैं, लेकिन जैसे ही एक स्लोप आता है तो वहाँ होता ये है कि आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो वो जो एनर्जी है उसकी वजह से आपकी साइकिल उस स्लोप पे चढ़ तो जाती है, क्लाइम तो हो जाती है, लेकिन उस जितनी एनर्जी आपने दी है उसमें से कुछ पार्ट हीट में भी कन्वर्ट हो जाता है और आपको स्वेट आने लग जाता है। क्या समझ में आ गई बात? तो जो बैटरी ने एक्स्ट्रा एनर्जी दी है या बैटरी ने जो वर्क डन किया है, वो वर्क डन में से कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या क्लियर हो गई बात? यही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, इसके बाद मैं इसको एक और फिनोमेना से समझाऊंगा। तो फटाफट डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? एक्स्ट्रा वर्क डन, एक्स्ट्रा वर्क डन बाय बैटरी विल कन्वर्ट नहीं देखिए सम पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन बाई बैटरी विल कन्वर्ट इंटू हीट। ठीक है, कुछ पार्ट जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। अब बैटरी ने वर्क डन किया कितना था? बैटरी ने वर्क डन किया था W, और W को अगर आप चार्ज और टाइम के रेस्पेक्ट में लें तो V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे V इंटू क्यू, तो W इज इक्वल टू, अब Q की वैल्यू लिख ली, I इज इक्वल टू Q बाई T होता है, तो
तो टी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो ये आपका हो गया पहला फॉर्मूला, W इज इक्वल टू वी आई टी। अब दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर पुट कर दीजिए, तो I इंटू आर इंटू आई टी, तो यहाँ पे आपके पास W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा, I की जगह आप V अपॉन आर पुट कर दीजिए, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर पुट कर दिया, तो आपके पास आ गया W इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, इससे ये कैंसिल, तो w इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर इंटू टी। ये तीन फॉर्मूले आ गए, ठीक है। अब एक और फिनोमेना, जैसे इस हीट को समझा मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप अपने सेलफोन को चार्ज करते हैं, तो आप अपने सेलफोन को जब चार्ज करते हैं तो 0 से लेकर 80% तक वो फोन ईजिली चार्ज हो जाता है और कोई हीट भी उसमें नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो फ़ोन 80 से अबव चार्ज होना शुरू होता है, वैसे ही आपके फ़ोन में एक हीट पैदा होने लग जाती है। वो क्यों होती है वो समझिए। देखिए, ये आपके फ़ोन की बैटरी है और यहाँ से इस फ़ोन को दी जा रही है सप्लाई, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले ये बैटरी 0% थी, खाली थी, चार्जेस आ रहे थे, इसमें स्टोर हो रहे थे, बड़े आसानी से ये स्टोर हो जा रही थी। थोड़ी देर बाद ये हो गई कितनी, 80%। अब 80% के बाद जब चार्जिंग हो रही है, चार्ज आके जब इसमें स्टोर हो रहे हैं, तो क्या कंडीशन है कि जो पहले से चार्जेस यहाँ मौजूद हैं वो इस इन वाले चार्जेस को जो यहाँ आ रहे हैं उनको रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करने की वजह से यहाँ पे जो सप्लाई है उस सप्लाई को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है चार्ज को स्टोर करवाने के लिए। बात समझ में आई, 0 से 80% बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा था सप्लाई ने चार्ज को स्टोर करवाने के लिए, लेकिन 80% के बाद चार्ज को स्टोर करवाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ा है सप्लाई को, इसलिए आपका सेल फोन हीट अप होता जा रहा है। जैसे जैसे वो 80 से 90 जाएगा, 90 से 95, 95 से 100, वैसे वैसे वो हीट अप होता जाएगा। इसीलिए आजकल सोलर कार्स आ रही हैं, सोलर कार्स में चार्जिंग का वो एक पैटर्न बताते हैं, वो क्या बताते हैं, मैंने अक्सर देखा है, वो बताते हैं कि 30 मिनट्स में वो 0 से 80% चार्ज हो जाएगी अगर आप फास्ट चार्जिंग करते हैं उसकी। लेकिन वो 80 से 100 का फंडा नहीं बताते आपको कि 80 से 100 का क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे बैटरी हीट अप होने लग जाती है, वो चीज़ वो नहीं बताते। या वो ये बताते हैं कि 4 घंटे में 0 to 80% हो जाएगी नॉर्मल चार्जिंग में, लेकिन 80 से 100 नहीं बताते वो, क्योंकि ये वाला फंडा वहाँ अप्लाई होता है। क्या समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने कर लिया, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तीन फॉर्मूले हैं उसके, फटाफट ये हम निकाल लेते हैं उनको। देखिए बेटा, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। तो आपके पास वर्क डन के तीन फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले कौन कौन से हैं, W इज इक्वल टू वी आई टी, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और W इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तीनों फॉर्मूलों को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए, P1 इज इक्वल टू, मतलब मैं इसको ले लेता हूं, तो ये हो गया वी आई टी अपॉन टी, तो क्या हो गया VI, तो P1 इज इक्वल टू VI, P2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, तो क्या आ गया आई स्क्वायर आर, और P3 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कैंसिल, तो क्या आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये तीन फॉर्मूले हो गए पावर के, तो आपको ये याद रखने हैं। यहाँ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं होता कि उसको लेक्चर फॉर्म में थियोरेटिकल पार्ट में कंप्लीट कर लिया जाए। न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आप करेंगे NCERT न्यूमेरिकल्स और आप पूछते रहेंगे, ठीक है।